क्रिमिनल बैकग्राउंड तो वाहगुरु मेरा था नहीं, लेकिन पंजाब पुलिस ने वाहगुरु मेरे को एक क्रिमिनल बैकग्राउंड दे ही दिया वाहगुरु। तीन पर्चे वाहगुरु। कई महीने गायब रहने तो बाद मीडिया के सामने आया है विक्की थॉमस। अमृतसर पहुंचा विक्की थॉमस, कई महीने गायब रहने तो बाद हुण सामने आया है थॉमस। परचे दर्ज होने के कारण पंजाब छड़ के चला गया सी विक्की थॉमस। तुहानू दस दिए कि विक्की थॉमस ने मीडिया के नाल गलबात करदिया दस्या कि पंजाब दे विच तीन परचे होए सन, मेरा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पंजाब दे विच सच बोलन ते परचे हो रहे हैं। आओ सुनते हाँ विक्की थॉमस की मीडिया के नाल हुई गलबात। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु, कुछ दिन वाहेगुरु, दो महीना मैं एक केरला वाहेगुरु जहाँ पर मेरा बर्थ प्लेस है वाहेगुरु वहाँ पर था, क्योंकि एक FIR होता है मेरे पे वाहेगुरु 153A स्टेट पे दंगे करने का वाहेगुरु आरोप। क्रिमिनल बैकग्राउंड तो वाहेगुरु मेरा था नहीं, लेकिन पंजाब पुलिस ने वाहेगुरु मेरे को एक क्रिमिनल बैकग्राउंड दे ही दिया वाहेगुरु। तीन पर्चे वाहेगुरु यही स्टेट पे, क्यों कुछ पता नहीं वाहेगुरु, लेकिन हो रहे। चलो वाहेगुरु, मैं तो वो टॉर्चर को झेल लूँगा। चलो मेरे लिए तो वाहेगुरु, मैं किसी को बोलूँ तो वाहेगुरु वो मेरी सेवा भी कर देंगे, लेकिन उन किसान का बच्चों का क्या जिनके ऊपर ये पर्चा होएगा, वो सुसाइड करेंगे वाहेगुरु, मरेंगे वो लोग, उनके पास इतना पैसा नहीं रहेगा हाई कोर्ट पे केस देखने का जो मेरे पे हो रहा है वाहेगुरु। तीन पर्चे वाहेगुरु, और तीनों के तीनों पर्चे, कोई प्रूफ नहीं। FIR पे लिखा है सूत्रों के अनुसार पता चला कि ये हुआ। ये कैसा हो रहा है वाहेगुरु? ऐसे ये तो ऐसा हो रहा है वाहेगुरु, हम एक रेस्टोरेंट को देखे दूर से 5-star, बिल मेरे को भरना पड़ रहा है। तो वाहेगुरु मेरा तो इतना ही है, मुंबई इतने साल रहा मैं, मुंबई में 10 जात के लोग रहते हैं, वहाँ पर कभी एक NC तक नहीं हुआ है मेरे पे, और यहाँ पर FIR हो रहा है। इसके लिए कुछ दिन के लिए वाहेगुरु मैं दूर चला गया था, क्योंकि मेरा मन हजूर साहब वाहेगुरु जहाँ से मैं सिंह सजा, हजूर साहब अबचल नगर नांदेड़, तो वहीं पे था वाहेगुरु ज़्यादा टाइम। वाहेगुरु देखो वाहेगुरु बहुत टफ होता है वाहेगुरु, सिक्की स्वरूप का वाहेगुरु एक लाइन या पाथ पे चलना वाहेगुरु। संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरा वाले वाहेगुरु, शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है वाहेगुरु। 6 दिन पूरे इंडियन गवर्नमेंट को लगा वाहेगुरु उनको ख़त्म करने के लिए वाहेगुरु, 6 दिन, लेकिन सूरवीर जोधा कभी मिटता नहीं है, परमानेंटली वाहेगुरु रहते, जोत हर किसी खालसा के दिल में रहते। तो वाहेगुरु एक एक बच्चा वाहेगुरु उनके ही वाहेगुरु, वो 14वें मुखी दमदमी टकसाल बाबा दीप सिंह जी के गद्दी पे विराजमान, तो इतना स्पेशल वाहेगुरु। देखो आज कितने सारे सिंह वाहेगुरु सजा काट रहे, कहाँ आसाम में वाहेगुरु डाल दिए वाहेगुरु लेके, उन्होंने क्या किया कुछ समझ में नहीं, लेकिन डाल रहे। अभी देखो फ्लड आया, इतना बड़ा बाढ़ आया, लेकिन किसके ऊपर रेड मार रहे, खालसा एड के ऊपर रेड मार रहे। क्यों इतना कुछ होता है वाहेगुरु, जो NGO फ्लड में वाहेगुरु जो काम सरकार नहीं करता है, वो काम खालसा एड ने कर दिया वाहेगुरु, लेकिन फिर भी उन पर रेड होता है, क्यों? सच बोलने वालों को ही क्यों वाहेगुरु ये होता है टॉर्चर। सिद्धू मूसे वाला बोल के थक गया 295 में कि वाहेगुरु अगर सच बोलोगे तो 295A लगेगा, और वाहेगुरु मेरे को तीन पर्चे 295 का ही है, क्योंकि सच बोलता है ना वाहेगुरु। देखो क्या होता है वाहेगुरु, 3 साल से मैं वाहेगुरु पंथ से जुड़ा, 3 साल में जो मेरे को प्यार मिला वाहेगुरु, अगर ये पंथ ना होता तो वाहेगुरु हमारा परिवार भूखा मर गया होता। तो वाहेगुरु मेरे को तो इतना है कि देखो बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे, वाहेगुरु लोगों ने तो गुरु साहब को नहीं छोड़े, लोगों ने गुरु साहब तक को नहीं छोड़े, लेकिन वाहेगुरु इतना है, हम वाहेगुरु उस महाराज का आज्ञा लेके सिर्फ सेवा करेंगे। बोलने वाले बोलते रहो वाहेगुरु, कुछ नहीं, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके 1000, भौंको कोई फर्क नहीं पड़ता है वाहेगुरु। अब मैं 3 है वाहेगुरु, और एक जस्ट अभी ताजा पर्चा अहमदाबाद में, पर्चा क्या सिर्फ खड़ा था वाहेगुरु एक जगह पे, सामने वाले बंदे ने गुजराती में लिख दिया कि विक्की थॉमस खंडा लेके उसका सर झटकाने के लिए आया है। तो वाहेगुरु अगर मैं ये खंडा लेके घूमता हूँ वाहेगुरु, शस्त्रन के अधीन है राज, राज बिना ना धर्म चले, धर्म बिना सब दले मले, शस्त्र में महाराज विराजमान, ये एक ऐसा निशान है वाहेगुरु, बुड्ढा दल फौज का निशान है वाहेगुरु, अष्टपूजा, ये सिंह शस्त्र शॉप है वाहेगुरु, ये शस्त्र साथ रखे इसके लिए जरूरी है, अगर ये तुम्हारे हाथ में ना हो ना तो गले में जलता टायर आएगा इसके जगह पे, शस्त्र रखो, ये पीर है, हम मत्ता पहले इनको टेकते उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, लेकिन दुनिया का नज़र सिर्फ गुरु गोलक, हमें वो गोलक नहीं चाहिए। मैंने कभी नहीं सुना है गुरु गोलक का भेद भी हुआ, मैं सुनता हूँ गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का भेद भी होता है, लेकिन इतना है मेरे आँख के सामने अगर कभी भेद भी हुआ ये कृपा बरसाएगा, सवाल ही नहीं वाहेगुरु, क्योंकि
मैं देख नहीं सकता मेरे महाराज का वेद भी वाहेगुरु, क्योंकि संविधान ने भी वो राइट्स दिया है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी लिविंग गुरु है, तो मैं उस लिविंग गुरु के लिए अपना वाहेगुरु सर तो समर्पित कर ही दे दिया वाहेगुरु 20 दिसंबर को वाहेगुरु। और नवीं खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करो PBX News द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।